भाई ये ठीक है ना बिल्ली? भाई ये क्या हो रहा है, बिल्ली को क्या हो गया? अच्छा हुआ शायद तू कोर्ट में है बेटा। हर दरवाजा बंद कर। तो भाई कल के बाद फिर समझौता हो गया हमारा या नहीं, अभी भी कुछ रहती है? भाई तूने इतना रिक्वेस्ट किया, इतनी सॉरियां बोली, तो मेरा दिल तो पिघल ही जाता है। रहन दिलू मैं बहुत। रहने दो, कल मैं इससे लड़ ली। मैंने कहा भाई खुद अकेला कैमल राइड शर्ट सब करके आ गया, मुझे भी करनी है, तो चल आज कैमल राइड पे चलते हैं। आज अशर को लेके हम तीनों निकल रहे हैं सनसेट पे कैमल राइड करने, और बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हर्ष ने मुझे बताया कि कैमल राइड में सच में बहुत मजा आता है। भाई इतने ब्यूटीफुल सीनरीज है ना। हाय हाय हाय, मैंने तो पता है वो भी करी थी यार। क्या करी थी? क्वाड बाइकिंग। मैं वो भी करूंगी फिर। यार क्या मजा था, क्या सीनरी थी। देख रहे हो धोखेबाज को देख रहे हो? उधर क्यों जा रहे? तेरे लिए स्पेशल कैमल है, जल्दी आ। तू है ना स्पेशल कैमल। आजा। चलो भाई सनसेट के नजारे देखने चलते हैं। भाई हर्ष तो यहाँ पे शहजादा बनने वाला है। अशर कोई बना दे पठानी। हाँ हाँ बिल्कुल यार, जो तेरा दिल करे। अशर? नहीं पापा, मेरा मूड नहीं आज। अशर पापा मुझे भी करने का मन कर रहा है वैसे। ये मुझे करने नहीं दे रहा। कितना इंटरेस्ट ले रहा है एक्चुअल में। देख रहा मेरे एक आंख भी मैंने छुपा ली थी। डाकू बनने वाला हूँ मैं। अशर डाकू मंगल सिंह। ये वैसे डाकू के नाम जब आते तो हमेशा सिर्फ मंगल सिंह ही क्यों याद आता है? वही फेमस डाकू था हमारा, और आज के बाद से हर्ष भी होगा। इसको तो नींद आ गई मुझे देख के। ओके भाई कैसे बनाते हैं? मैं क्यों पीछे रहूं? ओहो अशर देखो मम्मा, मुझे हंसी आ रही है। भाई ये खोल देगा मेरे को, ये नहीं बांधे रखने देगा। सही है, तेरा ज्यादा मस्त लग रहा है। सही में? हाँ। होने तो दे अभी पूरा। अरे हो गया टाइम है। ये देख, ये लो। पर्दे में रहने दो। यस चलो भाई, सही है यार सच में। डकैत आ गया, दो दो हमने बच्चा उठा लिया। अशर हमसे बच के रहियो। अशर तो हमने किडनैप कर लिया, आगे देखते हैं। चलो चले लेट्स गो। मम्मा बहुत अच्छे लग रहे हो। नहीं नहीं पापा, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। पापा मम्मा दोनों बहुत अच्छे लग रही है ना। हाँ उसने भी बोल दिया। हाँ तो पहले क्या था कि हमने डिसाइड किया था कि कैमल वैमल राइड नहीं करेंगे। फिर इन लोगों ने बताया कि जो ये वाले कैमल्स है ना, ये इनके खुद के यहाँ पे पाले हुए हैं, और ये सिर्फ थोड़े से लाइक 10-15 मिनट्स की राइड कराएंगे, और इनका भी यार रोजी खाना यू नो ब्रेड एंड बटर यही है। तो फिर हमने सोचा कि यार चल, जब कोई चीज इतनी कमर्शियल है और इन लोगों की एक्चुअल में ब्रेड एंड बटर है तो मतलब, बट स्टिल इट डजंट फील राइट टू मी। बट यार ये इनका रोज का हमेशा का यही काम है, एंड इन्होंने बताया कि सब परफेक्ट एकदम सही है। सही में मुझे तो इसकी ऊँ सुनाई दे रही है। मतलब कि वाओ भाई, डेजर्ट क्या लग रहा है यार, लेफ्ट पे देख रहे हो, ऐसे लग रहा है मतलब कहाँ जा रहे हैं ना। कल इससे भी ज्यादा सुंदर था। कल इससे भी ज्यादा सुंदर था। yes. तू बहुत खराब है वैसे, क्योंकि कल मैं अकेला था ना। अच्छा चलो बस करते हैं बस। अशर कह रहे हैं बस पापा 5 मिनट्स कर लिए और नहीं करनी। हम लोगों ने यहाँ पे मना कर दिया कि हमें नहीं करनी कैमल राइड। हमने कहा चलो यार सिर्फ फोटो वोटो खिंचवाते और वापस चलते हैं, और यहीं पे हम मस्ती से फोटो खिंचवाएंगे। और ये बढ़िया भैया है, डाकू ही नहीं बनने दे रहा यार। चलो मैं बनूंगा, एक अच्छा सा पोज दो, मैं तुम्हारे यहाँ पे फोटो खींचती हूँ, फिर मेरी खींचना ठीक है। वाओ सहारा डेजर्ट क्या मस्त है यार। और यहाँ प्रेरणा और अशर सनसेट के इंतजार में। काफी खूबसूरत जगह है। तू मस्त लग रही है वैसे। थैंक्स यार। एक वो आती है ना वो सीरियल में, एक सीरियल में आती है लेडीज, वैसी पहनती है लेडीज, जाती है लेडीज। यस आई डोंट नो द नेम। देख कैसे देख रहा है भैया को, भूख लगी हुई है, दूध पी नहीं रहा। शाहरुख खान? Yes. How? You know any song of Shahrukh Khan? No, I don't know the song. कुछ कुछ होता है? You like Kiran? कुछ कुछ होता है? चम्मक छल्लो। Oh! चम्मक छल्लो। अरे भी मैं चम्मक छल्लो। We love Africa. It's beautiful. बढ़िया बंदे हैं यहाँ पे, एक्चुअल में बहुत बढ़िया है। और अशर को तो ये मम्मी का एलवी का चश्मा बढ़िया लगा। डुप्लीकेट मम्मी। तो फाइनली टाइम आ गया इस प्यारे से कैंप टीजीरी कैंप सहारा डेजर्ट को। एक्चुअली सहारा डेजर्ट को नहीं, सिर्फ टीजीरी कैंप को बाय बाय कहने का। बहुत मजा आया ड्यून्स के अंदर रह के, हर्ष के साथ मस्ती करके, हर्ष के भागने से लेकर घूमने तक और सब कुछ, कैमल राइड सब कुछ बहुत परफेक्ट और अमेजिंग था। बिल्कुल ऐसे अरेबियन नाइट्स वाली फील थी। बट आज हम जा रहे हैं सनराइज पैलेस मिर्जुगा, और वहां पहुंचने से पहले, ये इकलौता एक ऐसा होटल है सहारा डेजर्ट में जिसमें स्विमिंग पूल है। पहले हम सिर्फ ये सुनते थे ना रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता, अभी स्विमिंग पूल भी मिलता है। तो हम ये होटल जाएंगे और आपको ये पैलेस होटल दिखाते हैं। बहुत ज्यादा सुना है मैंने इसके बारे में, बट रस्ते में ना आज मसाज कराए बिना कहीं नहीं जाने वाली। मसाज कराते हैं वन लास्ट टाइम। अशर बाय बाय कह दे। बाय बाय, मेरे को बहुत मजा आया यहाँ पे। ओ बाय द वे, अशर ने आज डैडी वाली ड्रेस पहनी है। डैडी मामा, आई एम अ डैडीज लिटिल बॉय। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, कितना मजा आ रहा है घंटी बजाने में। और बहुत सारी ऑफ रोडिंग करके पहुंच गए सनराइज पैलेस। दूर से दिख रहा है। इस होटल की खासियत क्या है? यहाँ पे स्विमिंग पूल है, और आई थिंक ओनली होटल इन डेजर्ट जिसमें स्विमिंग पूल है। राइट राइट। चलो भाई एक और डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं, ऐसे हमारे ट्रिप एंड पे भी आ जाएगा हर। ये बात, ये देखो भाई आ गया। और आते ही इज दिस मोरक्कन मिंटी। थैंक यू वेरी मच। वाह क्या वेलकम हुआ है हर्ष तेरा। थकावट तो नहीं हुई ना तुझे 25 मिनट की ड्राइव में? नहीं नहीं, अशर को होगी लग रहा है मुझे थोड़ी। अशर थकावट हुई है? नहीं पापा मुझे कभी थकावट नहीं होती, मेरे को बहुत मजा आ रहा है। तो भाई यहाँ पे दोनों बाप बेटे वेट कर रहे हैं चेक इन का। अशर के ना गाल पूरे रेड हो गए हैं सहारा डेजर्ट में। अशर दो टमाटर दो। अशर ये टमाटर निकाल के दे दो भाई। अशर सब्जी बनानी है मुझे जल्दी दो। गिव मी फास्ट। नहीं नहीं तेरा पापा मुझे सुलाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है, नहीं तो मैं अपनी दाढ़ी खींच दूंगा। और फाइनली
चेक इन का टाइम आ गया है। क्या बनाया है यार, देख रहे हैं अलग अलग से सिटिंग एरियाज बने हुए हैं। एक बात समझ नहीं आई, यहाँ पे लिफ्ट नहीं होती यार। डेजर्ट में होटल बना है, बड़ी बात है। ये बात भी सही है। मम्मा आप तो क्या क्वेश्चन पूछते हो। एंड ये है हमारा रूम, बहुत ही व्हाइट व्हाइट, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल रूम। हियर यू हैव दिस व्यू विद स्विमिंग पूल। वाओ वाओ, वाटर इज कोल्ड। एलिजाबेथ स्विमिंग करूंगा डेजर्ट में, स्विमिंग। वाओ नाइस भाई, गजब है गजब, मजा आ गया। वॉशरूम भी बड़ा है काफी, नॉट इवन किडिंग गाइस, फोटोज में भी इतना गॉर्जियस नहीं था जितना यार रियलिटी में। मतलब सीरियसली एक एक चीज इंस्टाग्राम वर्दी है। क्या वो पीछे देख रहे हो, हैट लगी हुई है, मन कर रहा है उतार के पहन लूं, बहुत सुंदर। और ये जो बोरियां लगाई हुई हैं, इस पे बैठ सकते हैं आराम से। अशर गया भाई, गया अशर। काम बेटा, हम सब रूम में, आप बाहर क्या देखने जा रहे हो। एक हर्ष को हमेशा कंप्लेंट रहती है कि रूम बड़ा होना चाहिए ताकि हमारे सूटकेस पूरे आ जाए, क्योंकि लगेज बहुत रहता है, बट यहाँ पे तो स्पेस ही बहुत है। एस्थेटिक्स कितने अच्छे है ना हर्ष। और बाहर निकलते ही सिटिंग एरिया, मतलब अशर आराम से यहाँ पे खेल सकता है, वॉक कर सकता है, बैठ सकता है। खुशबू कैसी आ रही है यार, अरोमा फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, इनसे लेके जाएंगे ये वाली। सही में देख, जाली में से तू देख रहा है हर जगह कैसे सिटिंग एरियाज बना रखे हैं। यहाँ सिटिंग एरिया, फिर वहाँ भी सिटिंग एरिया, फिर वहाँ भी सिटिंग एरिया, और यहाँ से देख। ओए होए होए होए, ये क्या जा रहा है, ये क्या देख रहा है जंगल से। इसको अच्छा लग रहा है पता है, ये डेजर्ट से बाहर आके खुश है पता है। पापा क्या लेता लेता थी वहाँ पे। पापा मैं डेजर्ट में खेल नहीं पा रहा था ना, यहाँ पे मैं चल पा रहा हूँ, वॉक कर पा रहा हूँ, वॉक करने की प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ। देखो तो सही कितना मजा आ रहा है। जाओ जाओ पापा के पास जाओ। लंच टाइम एंड अशर का स्लीप टाइम, सारा बड़ा टेस्टी लग रहा है पढ़ना मुझे। और ये क्या है, कुछ पकता हुआ है कुछ, ये भी अच्छा ब्रेड्स है। और एज यूजुअल ऑलिव्स। मम्मा आपको पता है इस होटल में सिर्फ हम ही हैं, हम बहुत मस्ती कर सकते हैं क्योंकि और कोई है ही नहीं। यार एकदम ऐसी जगह ड्रीमी, बिलीव सा नहीं हो रहा यार ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है। क्या ही कलर्स है यार, मन कर रहा है यहीं रह जाऊं, बहुत ही प्रीटी है। ऐसा सनसेट नहीं देखा मैंने, सच्ची बता रही हूँ। मतलब सनसेट देखना तो सहारा आप आ सकते हो, बहुत प्रीटी है। मैं रिकॉर्ड कर रही थी और एकदम से यहाँ पे ये बिल्ली आ गई भाई, मुझे अब डर लग रहा है। मैं अकेली रह गई, वॉशर और हर्ष चले गए, और बिल्ली करतूते कर रही है, अजीब सी लोटपोट हो रही है, खेल रही है शायद। जाओ बिल्ली वहाँ जाओ, चेयर पे बैठो, मैं जा रही हूँ, बाय। देख रो एकदम से दे रहा, मजाक नहीं कर रही, पर ये स्विमिंग पूल ना एक्चुअल में ट्रैवल गोल है भाई। ऐसा स्विमिंग पूल यार रेगिस्तान में, अनबिलीवेबल यार। जेन्युइन बताऊं तो अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमें दो रातें रुकना चाहिए था, तीन एटलीस्ट कम से कम, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल है और एक ही दिन में सारी चीजें ना मतलब इनटेक नहीं कर पाते हो, तो मतलब दो रातें यहाँ पे जरूर है। और मैं मतलब अगर आप सहारा आ रहे हो इतनी मेहनत करके, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ पे स्टे करो, उनकी हॉस्पिटैलिटी भी अच्छी है और काफी ज्यादा सुंदर है। सीरियसली 10/10 मार्क्स है भाई, बिल्कुल 10/10। और इस पूल के तो मैं से 100/10 दूंगी, मतलब दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सुंदर है भाई। बिल्ली हमारे रूम में आ गई, हर्ष बिल्ली क्या करना चाहती है, वो कैसे नीचे गई थी, बुला उनको यार। भाई ये क्या हो रहा है, बिल्ली को क्या हो गया। अच्छा हुआ शर तू कोर्ट में है बेटा, ये भी डर गया। नहीं हमें अकेला छोड़ के मत जा, बुला उनको, बुला के हमें अकेला छोड़ के मत जा। अच्छा तू बुला के ला, मैं बता रही हूं उसमें आत्वा आत्वा है, वो तेरी बुरी बुरी हरी कम भाई, अशर को बचा ले इससे, बाहर निकलते हैं। भाई बिल्ली से कौन डरता है, पहली बार ऐसा हो रहा है। आओ 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 आओ, तू बाहर आ जा यार, बिल्ली निकलना ही नहीं चाह रही। अरे इनको बुला यार, अरे कैसे घूम रही है, अशर भी डर रहा है अब तो, बिल्लियों से इसको प्यार है जबकि। आ गई 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 गई, हर दरवाजा बंद कर, जाओ बिल्ली बाय। हे गाइस करंट अपडेट, हम लोग आए हुए हैं मोरक्को और हम रुके हुए हैं सनराइज पैलेस में। और हर्ष को ना सुबह सुबह उठते चूल हो गई, आपको दिखाया था ना कल वो स्विमिंग पूल, वो एपिक स्विमिंग पूल डेजर्ट के बीच में, कह रहे हैं मैं उसमें डुबकी मारूंगा, मुझे ऊपर जाना है अशर के साथ और उसको कैप्चर करना है। मुझे तो नहीं लगता मार पाएगा डुबकी, इतना डीप पानी है उसके अंदर, कहां जा पाएगा, लेट सी कर पाते हैं। चल अशर चले हैं राजा। बेटा सुबह सुबह पापा को फितूर चढ़ा है, कह रहे स्विमिंग करूंगा, चलो आओ पापा की वीडियो बनाए। पापा ने कहा है ऊपर छत से वीडियो बनाना। ओ भाई क्या ब्यूटीफुल जगह है, छत से दिखाती हूँ आपको क्या गॉर्जियस व्यू है। ओ भाई यहाँ से पूरा डेजर्ट दिख रहा है, पर पूल नहीं दिख रहा, पूल मेरे ख्याल से दूसरी साइड से दिखेगा। रहने दे हर्ष डूब जाएगा, 6 फीट है इसकी हाइट, तभी कह रही हूँ रहने दे, पानी भी बहुत ठंडा है। वही तो कह रही हूँ, तेरे को बचाने कौन आएगा, मैं तो अशर को संभाल रही हूँ। नो अशर वाले पूल में, सीरियसली ये देखो, देख रहे अशर पापा क्या कर रहे हैं, रहने दे मैं बता रही हूँ, भैया से पूछ ले क्या कहते हैं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अभी भी बता रही हूँ रहने दे, छोड़ छोड़ आइडिया ड्रॉप कर दे, हाँ चला जा अब। भाई भैया इसको पूरा वो दे रहे हैं कि जा क्यों दे रहे, 1 2 3 कह रहे फिर भी नहीं जा पा रहा। पानी बहुत ठंडा है यार, हमें पता है पानी बहुत ठंडा, जाना तो जा, नहीं जाना तो इसको कोई धक्का दो यार, पुश हिम इनटू द पूल। वो कह रहे मैं बचा लूंगा, पापा बेटा देख क्या कर रहे हैं बेटा।
सही में यार, कभी हाँ कभी ना, क्या चल रहा है तेरा? वो बचाने आ गए इसको, ठंड में गया। ओ भाई, वैसे तू ब्रेव है हर्ष, तूने आज करके दिखाया। गुड गुड, देखा बेटा पापा ने कर लिया। मम्मा मेरे को तो पता ही था पापा कर सकते हैं। ए, आज तो तूने कमाल कर दिया भाई, सारे हाथ लाल हो गए, इतना ठंडा पानी था ना, एकदम फ्रीजिंग। ओ भाई सही में। चल यार तूने करके दिखाया, तूने अशर को दिखा दिया डैडी द ब्रेवेस्ट। अभी मेरे को था कि इतने महंगी जगह रुके, पूल का फन तो नहीं। फन तो हुआ नहीं, पर टॉर्चर लग रहा है मुझे। काश पानी थोड़ा गर्म होता, मैं यहाँ रिलैक्स करता डेजर्ट भी। भाई तू क्या रिलैक्स करता, फिर तो हम दोनों भी रिलैक्स करते। बहुत ही प्यारी गुड मॉर्निंग हुई है, अशर ने हर्ष ने बहुत मजे करे सुबह सुबह। हर्ष तो भाई पूरी छलांग ही मार दी, और हम आ गए आज ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ। यहाँ देखो हमारा काम चल रहा है, वीडियो डाउनलोड हो रही है, बहुत मुश्किल से डाउनलोड हो पा रही है क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट पैच ही। और यहाँ पे देखो अशर और हर्ष क्या मजे कर रहे हैं। रेत बहती कब से है हर्ष? और क्या यार, पता अभी हवा नहीं चल रही इसलिए आराम से हम यहाँ खड़े, वरना फट 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 करके हवा चलती है। हाँ, तभी इन्होंने बोला भी कि आज यहीं पे ब्रेकफास्ट करो, बाहर लगाते हैं, तो कितना मजा आ रहा है यहाँ पे ब्रेकफास्ट लग रहा है। एकदम पूल के सामने, ये वही पूल है इसमें तूने आज सुबह छलांग मारी थी हर्ष। आई एम फीलिंग सो रिफ्रेश्ड उसके बाद से, पता है। पापा मुझे भी बहुत रिफ्रेश्ड लग रहा है, मुझे भी पूल में वैसे धक्का दे देते मजा आ जाता है, साथ में ले जाते। ये लो अशर की फ्रेंड आ गई, बिल्ली मौसी। बिल्ली कल ये रूम में घुस गई थी, तब तो तू बहुत डर रहा था, तब इसका अलग रूप था, आज भी अलग रूप है। हेलो भाई, बहुत सही है यार। व्हाट्स हर नेम? मीशा, फीमेल। या ओके, हे मीशा, शी इज सो क्यूट। हर्ष ने मीशा के लिए भी यहाँ पे चारा डाल दिया। मीशा खा ही नहीं रही, मीशा कह रही जो अशर खाएगा मैं वही खाऊंगी। बड़े चूजी है मीशा और अशर दोनों। तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं एदबेनहादू के लिए। एदबेनहादू एक ऐसी जगह है मोरक्को में जहाँ पे काफी सारी सीरीज मूवीज शूट हुई है, ग्लैडिएटर शूट हुई है, गेम ऑफ थ्रोन्स शूट हुई है। आपको एक सीन याद होगा जहाँ पे जो टाइजेरियन हाउस की लेडी होती है, मुझे भाई हर्ष तूने मुझे डरा दिया, वो जंप करके आगे खाने पे। इनको बोलना पड़ेगा यार हटा दे अभी। मैं जो स्टोरी बता रही थी वो गाड़ी में बताऊंगी। गेम ऑफ थ्रोन्स जिसने देखा उसको पता होगा, युंकाई नाम की एक जगह थी, वो एग्जैक्टली एदबेनहादू है और हम वहाँ पे रहने वाले हैं। तो हर्ष तो पहले कह रहा था कि डायरेक्टली हम मैराकेश चलते हैं, मैंने कहा यार चल एदबेनहादू एक स्टॉप ओवर ले ही लेते हैं फिर। मम्मा आपने बहुत अच्छा करा, मुझे भी एदबेनहादू रुकना है। हमें कितनी देर की ड्राइव करके जाना है? 6 घंटे यार भाई, अब मैं थक गया, अब घर चलते हैं, घर की याद आ रही है। अब मुझे भी आ रही है सच में। अच्छा घर चलें? नहीं पापा, मुझे तो यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, देखो मेरे कपड़े कितने क्यूट लग रहे हैं। चलो भाई यहाँ पे करते हैं अपना ब्रेकफास्ट, कितना सुंदर है यार। और यहाँ पे हमारे ब्रेकफास्ट में कॉफी, जूसेस, फ्रूट्स, ब्रेड्स, कॉर्नफ्लेक्स, क्रेप्स, पैनकेक्स। रॉयल ब्रेकफास्ट जी, बिल्कुल। और आपके बेटे ने क्या करा अभी? पूरा चीज अपने ऊपर मल लिया। तूने दी ऐसी चीज तो उसने क्या करना था? मुझे लगा चीज खाएगा। मम्मा मुझे चीज बहुत अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने थोड़ी सी लगा भी ली, मैंने सोचा मेरी स्किन थोड़ी चीजी चीजी हो जाएगी। भाई हर्ष को तो समझ नहीं आ रहा खाऊं क्या छोड़ूं क्या। भाई यहाँ की ना स्पेशलिटी है, आपका पूरा टेबल भर देंगे, और पता है होटल में सिर्फ हम दोनों ही हैं। तीनों हर्ष, तीनों तीनों। हाँ भाई, उसके बाद भी उन्होंने इतना बड़ा लेविश ब्रेकफास्ट बनाया हमारा। अरे पापा मुझे क्यों भूल जाते हो? A few moments later. Bye bye मीशा, हम तुझे बहुत मिस करेंगे और इस बहुत सुंदर से होटल को भी। चलो भाई हर्ष यहाँ पे अशर को गाड़ी में झूठे दे रहे, निकलते हैं अब यहाँ से। भाई मैं इस जगह को बहुत मिस करने वाली हूँ वाकई में। वो चलो भाई निकल गए हम एदबेनहादू के लिए और एदबेनहादू में करेंगे बहुत मस्ती। जल्दी से पहुंचाओ बाबा, लेट्स गो।